पनीर खाना तो हर किसी को बहुत ही पसंद आता है और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो ये है ढाबा स्टाइल पनीर भरता की रेसिपी। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। किचन में अवेलेबल होता है ऐसे ही कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर भरता बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर और यहाँ पे करीबन 200 ग्राम के करीब पनीर है और पनीर को मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रेट करके रखा है। घर में अवेलेबल है ऐसा कोई भी ग्रेटर से आप इसे अच्छे से ग्रेट कर ले या फिर आप इसे हाथों से अच्छे से तोड़कर आप पनीर का चूड़ा बना ले। फिर हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें 4 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने तक वेट करें और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 तेजपत्ता डालेंगे और 1 छोटा चम्मच काली सरसों डालेंगे। आप चाहे तो सरसों की जगह खड़े गर्म मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। लो फ्लेम पे दोनों चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लें और फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो प्याज का पेस्ट को हमें लगातार चलाते हुए ऐसे फ्राई करते जाना है। तो इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो पिंक ना हो जाए। याद रखिए इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे तब तक ही भूनना है जब तक इसका कलर पिंक ना हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और ये बारीक कटा हुआ प्याज यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी हम तब तक ही भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो पिंक ना हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब पेस्ट है और मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ मिक्सी में अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अगर आप कम तीखा खाते हैं या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस हरी मिर्च को मत डालिए, क्योंकि ऐसे भी हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसलिए जब भी इस रेसिपी को आप घर में ट्राई करें तब आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें तीखा ज़्यादा या कम डालें। 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को अच्छे से भून लें और फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट ना डाल के इसे आप बारीकी से काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। टमाटर को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका जो कच्चा स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि इस मसाले से तेल ना निकल जाए। 2 से 3 मिनट बाद जब ग्रेवी से तेल निकल जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। मसालों में हम यूज़ करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मसाला डालने के बाद इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल थोड़ा सा भूनना है, नहीं तो जो मसाला है वो जल भी सकता है। कुछ ही देर में आप देख पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा तेल सेपरेट होना शुरू हुआ है। बस इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। पानी को हमें मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिला देना है और इस प्रोसेस में ना हमें गैस को लो फ्लेम पर रखना है। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और 5 मिनट हो चुका है तब हम इसका ढक्कन खोल देंगे और आप इसका कलर देखिए, देखने से कितना अच्छा लग रहा है। और अभी हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला की जगह आप इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। और हाँ, काली मिर्च भी थोड़ा सा तीखा ही होता है तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कच्चा दूध। दूध से ना इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा क्रीमीनेस आता है तो आप इस दूध को ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी हमें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है और दूध को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। मेथी को हमें क्रश नहीं करना है, ऐसे ही डाल देना है। मेथी को हमें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और मेथी ना इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है तो आप इसे ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पनीर भरता का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है तो अभी हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने पहले से ग्रेट करके रखा है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर रेड काऊ का फुल फैट वाला पनीर लिया है। और इस पनीर का एक अच्छा चीज़ क्या है तो आप इसे जब भी कढ़ाई पर डालेंगे ना तब आप देख पाएंगे कि पनीर अपना फैट रिलीज़ करता है। इसलिए आप जितना भी कम तेल डालिए, पनीर डालने के बाद आप देख पाएंगे कि तेल का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर दें और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीबन पानी।
गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है और पानी को हमें पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फिर हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और फिर से हमें इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को भी हमें इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और जब धनिया पत्ता अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और नमक हमने पहले भी यूज़ किया है, इसलिए आप नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रखिए। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी और अब दोनों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। पनीर भरता हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और इसमें हम लास्ट डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद ही आप तुरंत ही गैस को ऑफ कर दें, इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। तो गरम मसाला हमने बहुत ही अच्छे से पनीर में मिक्स कर दिया है और ये हमारा पनीर भरता का रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो जब भी आपको पनीर का कोई अलग सब्जी बनाना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पर बनाएं। ये रेसिपी रोटी पराठा नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है या फिर आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।